Hey everyone, welcome back to my channel Neha Daily Art. मेरा नाम है नेहा and I hope आप ठीक होंगे. And आज की जो वीडियो होने वाली ना गाइस, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. As always, तो जो आज की वीडियो है उसमें मैं बनाने वाली हूँ लिप्पन आर्ट, जो कि इंडियन आर्ट का एक फॉर्म है एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. सो आज हम वो बनाने वाले हैं. ऑल्सो उसमें जो क्ले का यूज़ होता है वो मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ मेरी चैनल पे. तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना एंड मुझे बताना कि आपको कैसे लगा. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड लाइक दिस आर्ट गाइज. ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से जाके नेहा डेली आर्ट को सब्सक्राइब कर देना. सो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिले. सो गाइज, आप सबने मुझे यूट्यूब पे तो 1 लाख सब्सक्राइबर्स दे ही दिए हैं, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना. उसकी आईडी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है एंड वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं. ऑल्सो साथ ही साथ मुझे थ्रेड्स पे भी फॉलो कर लेना. ऑल राइट, तो ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ तो प्लीज़ गाइज मुझे जज मत करना. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना एंड शेयर कर देना गाइज. So let's get started. So यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसिक सा मेरा कार्डबोर्ड, जो कि मुझे जब मैंने केक खरीदा था तो उसके बेस पे मिला हुआ था, मुझे फ्री फोकट का, तो वो कार्डबोर्ड ले लिया है. एंड देन यहाँ पर मेरी सिंपल सी ऑल टाइम फेवरेट पेंसिल ले ली है एंड यहाँ पर मैं करने वाली हूँ सिंपल सा स्केच रेडी. एंड इसके बाद आ जाती है हमारी बारी क्ले की. सो यहाँ पर फेब्रिकल क्ले लिया है जो कि सबको पसंद है अभी तो, हाथ से सबको पसंद है, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ एक पचका हो गया है गाइस. तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, सो ये जो वाइट वाला था ये मिक्सचर ड्राई हो गया था, पता नहीं कैसे, मैंने काफ़ी टाइम पहले से लेके रखा हुआ था, तो हो सकता है उसमें एयर चली गई एंड देन वो ड्राई हो गया. बट यहाँ पर मेरा पचका तो हो ही गया है, तो थैंक गॉड मेरे पास एक और अनदर पैकेट था तो मैंने उसका यूज़ किया. आफ्टर दिस फर्स्ट टाइम मैंने सोचा कि शायद ये ड्राई हो गया बट ये काम कर जाएगा, तो मैंने इसको मिक्स किया एंड देन यहाँ पे पाउडर की हेल्प से मैंने उसको पूरा रोल इस तरीके से बना लिया एंड देन मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे उसको अपने शेप में लाने का, जो भी मुझे डिज़ाइन बनानी थी. तो यहाँ पे मैंने बेसिक सी क्यूट सी सिंपल सी मेरी फेवरेट, जो कि मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, पिकॉक का डिज़ाइन बनाया है. तो यहाँ पर मैंने ले लिया है सिंपल सा मेरा फेविकॉल एंड फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पर हम लोग इसको स्टिक कर देंगे. ऐसे ही उसमें रोलिंग जो भी आपका डिज़ाइन है आप बनाते जाओ और स्टिक करते जाओ. तो ये सिंपल भी है लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी है गाइज. सो मैं आपको पहले से बता दूँ, मुझे ये पूरी प्रोसेस में मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे मैक्सिमम लग गए हैं एंड इससे ज़्यादा भी लग गए होंगे पता नहीं, लेकिन सीरियसली बहुत ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि ये सूखेगा, ड्राई होगा, उसके बाद ही मैं इसमें कलर कर सकती हूँ, उसके बाद मैं इसमें डेकोरेशन कर सकती हूँ. तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा देखनी पड़ी. सो अगर आप ट्राई करने वाले हैं या ट्राई कर चुके हैं तो आपको भी पता होगा, और अगर करने वाले हैं तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देख के समझ जाएंगे कि टाइम लगता है, लेकिन जब ये बन के रेडी हो जाता है तो बहुत सही लगता है गाइस. सीरियसली बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. लिप्पन आर्ट जब भी आप देख चुके होंगे, कहीं पर भी देखा होगा आपने यूट्यूब में, गूगल पे, तो बहुत ही सुंदर लगता है. इंडियन आर्ट है हमारा ऑफकोर्स, तो लगेगा ही. सो यहाँ पे मैंने पिकॉक का डिज़ाइन बना लिया है. सो मेरे दिमाग में पिकॉक ही आई, पहले मैंने बटरफ्लाई का सोचा था बट मैंने सोचा कि क्यों ना पिकॉक ही बना जाए. तो बात कर लेते हैं मेरी क्ले की. सो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने शेप्स बना ली है, इसकी आँख भी बना ली है. तो ये बाद में जो मैंने जो मेरा पहले वाला क्ले था ना गाइस, वो तो मैं यूज़ कर ही रही थी, 3 और मतलब 1 स्ट्रिप बनाई, दूसरी बनाई एंड थर्ड टाइम तो वो सूख ही गया. तो मैंने सोचा यार ये तो हो जाएगा गड़बड़, मेरा टाइम उसमें और जाता गया. सो मैंने सोचा क्यों ना मैं अनदर जो मेरे पास पैकेट था उसको मैं ओपन करूं एंड देन मैं उसको खोल के फिर मैंने वापस से वो मिक्सचर रेडी किया एंड फिर ये सारा जो डिज़ाइन बनाया वो उस पैकेट से बनाया है, सेकेंड पैकेट से. सो फाइनली बन गया. सो इसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पे कलरिंग, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है बिकॉज कलरिंग सबको पसंद होती है गाइस. यहाँ पे मैंने मेहंदी कलर लिया है जो फेब्रिकल कलर में आता है ऑलरेडी एंड उसमें ग्रीन शेड भी आता है, तो ये दोनों कंबाइंड कलर में यहाँ पे कलर करने वाली हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से हम फटाफट इसको कलर कर लेंगे, तो आप देख लीजिए.
राइट गाइस, तो अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाले हैं ना, तो गाइस थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि आपके जो क्ले है वो जल्दी जल्दी ना सूखे। उसके लिए आप थोड़ा उसको यूज़ करें तो उसको एक पन्नी में या कोई भी उसमें ऐसे पैक करके रख दें, जब तक आप दूसरा शेप बना रहे हैं या डिज़ाइन बना रहे हैं तो जब तक वो सूखे ना, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। ऑल्सो आप जो भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं एज योर विश आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिकॉक का डिज़ाइन बनाया बिकॉज मुझे पर्सनली पिकॉक बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी डिज़ाइन मैंने बहुत मतलब बचपन से ही बनाती आ रही हूँ मैं, रंगोली में भी बहुत सारी डिज़ाइन बनाती रहती थी। सो यहाँ पर ही मैंने सोचा कि पिकॉक ही बनाई जाए, एंड इसमें मुझे सिंपल भी लगा एंड मेरा फर्स्ट टाइम था, तो प्लीज़ मुझे जज मत करना अगर आपको यहाँ पर फिनिशिंग नहीं दिख रही हो तो। सो यहाँ पर मैंने फटाफट से कलर कर लिया है, तो इस तरीके से आप कलर कर सकते हैं। अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट प्लीज़ गाइस। ऑल्सो आप में से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने कहा था कि उन्हें लिपन आर्ट देखना है बहुत ज़्यादा, सो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं लिपन आर्ट ट्राई करूँ, एंड मुझे करना भी था सो मैंने सोचा दिस इज़ द टाइम, तो चलो ट्राई करते हैं। एंड जब ये बन के रेडी हो गया, मैंने घर पर दिखाया तो सबको बहुत अच्छा लगा। अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस भी देखनी है गाइस तो कमेंट डाउन। पर इसमें जितना भी मैंने क्ले का वर्क किया है तो उस पर मैं वाइट पेंट कर रही हूँ। ज़्यादातर मैंने वीडियोस में यही देखा है वाइट करते हैं तो थोड़ा और ज़्यादा वो वाइब्रेंट लगता है, तो इसलिए। एंड ये मैं जब कर रही थी तो मुझे सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था करने में। एंड अगर आप देखें तो क्ले के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी होता है। तो आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है क्ले के साथ काम करना। देख सकते हैं आप यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो मैंने इसको ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया है, सॉरी ब्लैक बॉर्डर कर दिया है बिकॉज उससे ज़्यादा और वो उभर के आ गया है। अब कर लेते हैं यहाँ पर हम थोड़ी डेकोरेशन वाली चीज़ें। तो ये रही हमारी जरी वाली चीज़ें। तो यहाँ पर मेरे फेवरेट जो रहते हैं मिरर पीसेस जो कि मैं लेके आई थी मार्केट से, उनको यहाँ पर हम लगा देंगे फेविकॉल की हेल्प से। तो आप अलग अलग शेप के भी लगा सकते हैं। सो दिस इज सो ब्यूटिफुल, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये आर्ट पीस। राइट, तो काफ़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद ये वीडियो कंप्लीट हो गई है, मेरा जो मैं बना रही थी आर्ट पीस वो कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आर्ट पीस अच्छा लगा होगा। ऑल्सो गाइज मेरी DIY की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो
मैंने क्राफ्ट की अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ग्रीटिंग कार्ड्स की अलग प्लेलिस्ट बनाई, कैलीग्राफी की बना रखी है, तो आप जाके सारी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, तो आप जाके देखिए एंड एंजॉय करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।